नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हीमोग्लोबिन को कैसे बढ़ाया जाए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से फूड्स हैं, वो कौन कौन से सब्जी है, फल है, खाना है, जिसके खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। आज हम आपको 10 बेस्ट आयरन रिच फूड्स बताने वाले हैं, जिससे आप अपने हीमोग्लोबिन को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ये सेल्स होल बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और उनसे वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर के लंग्स में लाते हैं और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। किडनी की ज़्यादातर समस्याएं हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होती हैं। भोजन में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं और उन्हें स्वस्थ रखते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है, हमें पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। हीमोग्लोबिन की जो कमी है उसको आहार के जरिए, खाने के जरिए हम दूर किया जा सकता है, हमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए हमें हमारा संतुलित आहार करना पड़ेगा, हमें व्यायाम करना पड़ेगा, हमें भोजन में हरी सब्जियां लेनी पड़ेगी, दाल लेना पड़ेगा और हमें फलों की ज़रूरत होगी। तो आज हम आपको बता रहे हैं 10 बेस्ट आयरन रिच फूड्स टू बूस्ट हीमोग्लोबिन। सबसे पहला है चुकंदर। आमतौर पर एनीमिया के मामले में चुकंदर खाने की सलाह दी जाती है। हर कोई बोलता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि यह लाल रक्त कोशिकाओं के पुनर्जनन में मदद करती है। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के साथ साथ हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी प्रभावी माना जाता है। इसमें उच्च गुणवत्ता का आयरन प्राप्त होता है। एनीमिया की शिकार महिलाओं के लिए चुकंदर रामबाण साबित होगा। चुकंदर के अलावा आप जो चुकंदर की हरी पत्तियां होती हैं उसका सेवन बेहद ही लाभदायक होता है। इन पत्तियों में 3 गुना आयरन होता है। कुछ ही दिनों में आपको फर्क नज़र आएगा। पालक। पालक में आयरन काफ़ी मात्रा में होता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को ठीक करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर पालक का सेवन करना चाहिए। पालक में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। आंवला और जामुन। आंवला और जामुन को बराबर मात्रा में मिलाकर के रस पीना चाहिए। यह हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत जल्दी बढ़ाता है। अनार। शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाने के लिए अनार का सेवन करने की भी सलाह दी जाती है। डॉक्टर भी बोलते हैं, अनार में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन सी के अलावा आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, भरपूर मात्रा में होता है, और साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो जो भी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की समस्या है, निजात दिलाना है, तो इसे आपको अनार का जूस पीना चाहिए या फिर आप इसके दाने भी खा सकते हैं। सूखी किशमिश। ब्लड बनाने के लिए ज़रूरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी को किशमिश पूरा करती है। आयरन में भरपूर सूखी काली किशमिश का सेवन करके आप अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। तुलसी की पत्तियों का सेवन करने से भी शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी दूर होती है। तुलसी रक्त की कमी को कम करने के लिए रामबाण है। तुलसी के नियमित सेवन से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती। गुड़ और मूंगफली। गुड़ आयरन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। गुड़ का सेवन करने से रक्त संचार में बढ़ोतरी होती है और गुड़ में अधिक खनिज लवण होते हैं जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। रोजाना गुड़ और मूंगफली के दाने खा करके सेवन करें। इन्हें चबा चबा खाना चाहिए तो हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होगी और हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा। अंकुरित अनाज। सुबह के नाश्ते में हमें अंकुरित अनाज लेना चाहिए, जैसे मूंग, चना, मोठ, गेहूं इत्यादि। इसके साथ साथ आप नींबू का रस भी मिला सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, इसमें आप सैलड भी मिला सकते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने का बहुत ही अच्छा आहार है, बहुत अच्छा फूड्स है। लीग्यूम यानी फली वाले अनाज। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सोयाबीन, सफ़ेद राजमा और चने को आप खा सकते हैं। इसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है और जल्दी ही हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। एनेमिक व्यक्तियों के लिए सोयाबीन बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। लाल राजमा की तुलना में सफ़ेद राजमा आयरन का बेहतर स्रोत होता है, जिसका सेवन करने से आयरन की कमी पूरी हो सकती है। चने में भी आयरन के साथ साथ कॉपर, विटामिन B6, विटामिन B12 और फोलेट भी पाया जाता है,
जो एनीमिया में आराम पाने के लिए मदद करता है। पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में आयरन के अलावा प्रोटीन, विटामिन, कैरोटीनाइड, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फाइटोस्टेरोल, सेलेनियम और जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण भी बहुत मिलते हैं। ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल संबंधी हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। शाकाहारी लोगों के लिए कद्दू का बीज विशेष रूप से उपयोगी होता है, इसमें क्योंकि इसमें प्लांट बेस जो आहार होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आयरन इसी में होता है। इसमें नेचुरल क्लोरोफिल की उच्च मात्रा होती है, इसलिए यह शरीर को प्राकृतिक रूप से क्षारी बनाता है और प्राकृतिक यानी नेचुरल रूप से डिटॉक्स भी करता है। इसलिए यदि आप हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करना चाहते हैं तो कद्दू के बीज का सेवन ज़रूर करिए। तिल। फलों और सब्जियों के अलावा तिल यानी सेसमी सीड्स भी शरीर में खून की कमी के स्तर को सही रखता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल सही बनाए रखने के लिए रोज़ आप तिल के लड्डू खाइए। आप इसे भून करके भी खा सकते हैं। यह स्वाद और सेहत एक साथ मिल जाएंगे। यह बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तिल से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। तिल खाने से एनीमिया की बीमारी ठीक होती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।